अब वक्त है फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का। बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की रैली, 7 दलों के नेता जुटे। नीतीश बोले, मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं, कांग्रेस साथ आए तो बीजेपी 100 से कम सीटों पर सिमट जाएगी। महागठबंधन की रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव ने भी किया संबोधित। बोले, बीजेपी पार्टी नहीं आरएसएस का मुखौटा, हम एक रहेंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। महागठबंधन की रैली में तेजस्वी बोले, पीएम सीएम बनने की किसी को इच्छा नहीं है, देश को बचाना है, कांग्रेस को साथ आना चाहिए। बिहार में बीजेपी ने शुरू किया लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार। पश्चिम चंपारण में अमित शाह बोले, हर 3 साल में नीतीश को पीएम बनने का सपना आता है, नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद। महागठबंधन पर अमित शाह का प्रहार, कहा जंगल राज वालों के साथ बैठे हैं नीतीश, तेल और पानी जैसा है जेडीयू और आरजेडी गठबंधन, जो कभी नहीं मिल सकते। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने महागठबंधन की रैली पर साधा निशाना, कहा ये ठगों का बंधन है, 2024 में नीतीश का अता पता नहीं रहेगा। बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की रैली के दौरान महिला कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की, जवाब में महिलाओं ने लाठियां भाजी। रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन से सोनिया गांधी ने किया राजनीति से संन्यास की तरफ इशारा, बोली भारत जोड़ो यात्रा के साथ खत्म हुई पारी। सोनिया के राजनीतिक संन्यास की बात से कांग्रेस का इनकार, कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा, पूर्व अध्यक्ष के तौर पर था उनका भाषण, वो सीडब्ल्यूसी की आजीवन सदस्य है, अगला चुनाव लड़ने को लेकर फैसला सोनिया खुद करेंगे। सोनिया गांधी ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा, पीएम मोदी देश के लिए नहीं दोस्तों के लिए चला रही है सरकार। कांग्रेस अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश में नफरत का माहौल है, सरकार सब कुछ अपने मित्रों को बेच रही है, दिल्ली सरकार में बैठे लोगों का जीएनए गरीब विरोधी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक के काफिले पर हमला, काले झंडे भी दिखाए गए, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। प्रयागराज शूटआउट पर मुख्यमंत्री योगी की असेंबली में 2 टुक, कहा इन गुंडों को पालती है समाजवादी पार्टी, लेकिन मैं इन्हें मिट्टी में मिला दूंगा। सीएम योगी के मिट्टी में मिला दूंगा वाले बयान पर अखिलेश यादव ने जताई आपत्ति, कहा सीएम कैसी भाषा का कर रहे हैं इस्तेमाल, राज्य में गोली और बम की बातें होती हैं। रामचरितमानस विवाद पर पहली बार बोले सीएम योगी, कहा तुलसीदास ने समाज को जोड़ने का काम किया था, लेकिन आज उनके पवित्र ग्रंथ के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के यूपी में काबा गाने का सीएम योगी ने दिया सदन में जवाब, बोले यूपी में बाबा बा, लेकिन उससे भी परेशानी है। अमृतपाल मामले पर बोले सीएम भगवंत मान, कहा जो गुरु ग्रंथ साहिब को थाने में ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं वो पंजाब के वारिस नहीं हो सकते। अभिनेत्री कंगना राउत ने अजनाला थाने में हंगामा करने वाले अमृतपाल सिंह की चुनौती स्वीकार की, कहा अगर गोली नहीं मारी तो खालिस्तान के मुद्दे पर डिबेट के लिए तैयार। पीएम मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया कर्नाटक संघ के सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन, जमकर बजाया ढोल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बघेल सरकार पर हमला, रायपुर में कहा जल जीवन मिशन के तहत देश में 56% और कई राज्यों में 90% लगे नल, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 36% ही क्यों रह गया आंकड़ा। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का पंजाब के सीएम भगवंत मान पर तीखा हमला, एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा जब अमृतसर में ये सब हो रहा था तब पंजाब के सीएम मुंबई में तस्वीरें खिंचवा रहे थे। दिल्ली में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा जिस तरह से चीन ने खुद को वर्ल्ड फैक्ट्री के रूप में विकसित किया वैसे ही आने वाले दिनों में वर्ल्ड फैक्ट्री बनेगा भारत, नई तकनीक के दौर में वर्ल्ड फैक्ट्री बनने जा रहा है भारत। आरजेडी विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, आरजेडी विधायक विभा देवी नवादा में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी, जन वितरण प्रणाली को लेकर उठाए सवाल, कहा प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ धरना। डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग की, कहा देश की 75% संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज की गई, हिंदुओं को भी मिलना चाहिए उनका हिस्सा। कल कर्नाटक द्वारे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवमोग्गा में 3600 करोड़ की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, शिवमोग्गा हवाई अड्डे का भी उद्घाटन करेंगे पीएम। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम, देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा महासचिवों के साथ पार्टी मुख्यालय में सुनेंगे मन की बात।
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी महासचिवों के साथ बैठक करेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा पूर्वोत्तर के राज्यों के चुनाव पर चर्चा है, जिसके लिए त्रिपुरा के नेताओं को भी बुलाया गया है। इसके अलावा G20 को लेकर पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा भी होगी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ भारत दौरे का आज दूसरा दिन, आज बेंगलुरु रवाना होंगे ओलाफ शोल्ज, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आज से 1 मार्च तक भारत दौरे पर रहेंगे चेक रिपब्लिक के विदेश मंत्री जैन लिप्टॉफ्स्की, विदेश मंत्री से करेंगे आपसी संबंध और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने आज दोपहर 12:30 बजे अपने आवास पर सभी विधायकों को लंच पर बुलाया। दरोगा भर्ती के चयनित भारतीयों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, 10:00 बजे लखनऊ में शुरू होगा कार्यक्रम। आज डेनमार्क के राजकुमार और राजकुमारी आगरा में करेंगे ताजमहल का दीदार, इस दौरान ताजमहल 2 घंटे के लिए आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक, चुनाव के वक्त आप और बीजेपी पार्षदों में मारपीट हुई थी। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके 2 बेटों समेत 7 लोगों पर केस दर्ज, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हत्यारों में से एक शूटर का हुलिया अतीक अहमद के बेटे जैसा। कुश्ती संघ विवाद पर एबीपी न्यूज का ऑपरेशन दंगल, 6 कुश्ती खिलाड़ी और पूर्व कोच खुफिया कैमरे में ब्रजभूषण चरण सिंह पर लगे आरोपों को हवा हवाई बताते दिखे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली पहलवान निशा दहिया और सोनम मलिक ने ऑपरेशन दंगल में कहा मेरे साथ कोई घटना नहीं। योगेश्वर दत्त के कोच रामफल मान बोले आरोप लगाने वालों के पास पुख्ता सबूत नहीं, खिलाड़ी तो बिना खेले डायरेक्ट सिलेक्शन चाहते थे। पिछले महीने बजरंग पुनिया साक्षी मलिक जैसे बड़े खिलाड़ियों ने कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ा नक्सली हमला, डीआरजी के 3 जवान शहीद, सीएम भूपेश बघेल बोले जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। ड्रिल से बाहर फुल मजे काट रहा है गुरमीत राम रहीम, येलो ब्लैक ट्रैक सूट में तस्वीरें शेयर की, हनीप्रीत बोली मैं काले रंग के लिए क्रेजी। श्रीनगर में प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ पीडीपी का प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने का किया है ऐलान। राजस्थान के जोधपुर में शिक्षक भर्ती परीक्षा का चर्चा लीक होने का शक, पुलिस ने 29 लोगों को हिरासत में लिया। भिवानी में जुनैद और नासिर की हत्या के मामले में परिजनों का आरोप, मामले पर हो रही है राजनीति, सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट। हैदराबाद में सनसनीखेज वारदात, प्रेमिका को मैसेज करने पर शख्स ने की दोस्त की बेरहमी से हत्या, सिर कलम कर गर्लफ्रेंड को भेजी फोटो फिर पुलिस के सामने किया सरेंडर। यूपी के सोनभद्र में सैनिक की विधवा को शादी का झांसा देकर रेप का मामला आया सामने, महिला को दी जान से मारने की धमकी, पीड़ित ने पुलिस में दी शिकायत, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में महिला की संदिग्ध हालत में फांसी लगाने से हुई मौत, परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने की आशंका जताई, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में गौकशी की घटना के बाद तनाव, कई हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे, पास की झुग्गियों में रहने वाले रोहिंग्याओं पर लगाया गौकशी का आरोप। कानपुर में 2 पक्षों में हुआ विवाद, थाने पहुंचने पर दोनों पक्षों में जमकर हुआ पथराव, पुलिस कर्मियों ने भागकर खुद को किया सुरक्षित। यूपी के प्रतापगढ़ में पूर्व सांसद हरिवंश सिंह और उनके बेटे समेत 4 के खिलाफ शिकायत दर्ज, डकैती धोखाधड़ी का लगा आरोप। जम्मू कश्मीर के सांबा में मिली बारूदी सुरंग, स्थानीय लोगों ने सीमा सुरक्षा बल को दी जानकारी, बम निरोधी दस्ता मौके पर मौजूद। दिल्ली पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार, आतंकी ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे पाकिस्तान, पकड़ा गया 1 युवक महाराष्ट्र का, दूसरा तमिलनाडु का। बागेश्वर बाबा के भाई शालिग्राम के शादी में बवाल करने का मामला, भीम आर्मी ने शालिग्राम की गिरफ्तारी की मांग। असम के कार्बी में पुलिस को मिली ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कामयाबी, 8 करोड़ की कीमत के करीब 2 किलोग्राम मॉर्फिन की जब्त। यूपी के नोएडा में पुलिस ने किया फोन तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, करीब 350 मोबाइल फोन के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नासिर जुनेद हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त, साजिश के तहत सड़क जाम कर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपों में 600 पर केस दर्ज।
देहरादून में पौश इलाके में सेक्स रैकेट चला रहे थे पति पत्नी, पुलिस की छापेमारी में तीन गिरफ्तार, दो पीड़ित महिलाओं को किया रेस्क्यू। यूपी के बुलंदशहर में जमीन विवाद में एक शख्स ने की अपनी दादी की बेरहमी से हत्या, पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, आरोपी मौके से फरार। यूपी के बरेली में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर, बोनट पर कई मीटर खींच कर ले गया कार सवार, लोगों ने बचाई युवक की जान, पूरी घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। यूपी के आगरा में फेमस होने के लिए युवक ने बनाई सुसाइड की झूठी रील, एक्शन में आई पुलिस, मोबाइल लोकेशन से युवक को ढूंढ निकाला, केस दर्ज किया। यूपी के सहारनपुर में युवाओं में नहीं दिख रहा कानून का डर, तमंचे के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गोंडा में फिल्मी स्टाइल में गाड़ी की बोनेट पर बैठकर युवक ने किया स्टंट, पुलिस ने काटा 17,000 रुपए का चालान। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शुगर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 किलोमीटर दूर से दिखी आग की लपटें, फैक्ट्री में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले भारत विश्व गुरु बन गया है, भारतीय छात्रों को रेस्क्यू करने के लिए रूस यूक्रेन ने एक दिन के लिए रोक दिया था युद्ध। गोवा में पाक क्रिकेट टीम का समर्थन करना पड़ा शख्स को भारी, लोगों ने माफी मांगने के लिए किया मजबूर, लगवाए भारत माता की जय के नारे। हरियाणा के मेवात को कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने प्याज केंद्र की दी सौगात, 10 करोड़ की लागत से 40 एकड़ जमीन पर बनेगा प्याज केंद्र। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में बेटियों को दी जा रही स्कीइंग की ट्रेनिंग, युवा कल्याण और खेल विभाग की पहल। शिमला में बर्फबारी नहीं होने से मायूसी सैलानी, कम कुफरी में घोड़े वालों के सामने रोजी रोटी का संकट। दिल्ली में फरवरी में ही मई जून वाली गर्मी, 27 फरवरी तक 33 डिग्री तक जा सकता है तापमान। 28 फरवरी को कश्मीर हिमाचल के पहाड़ों पर हो सकती है बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। गुजरात के नवसारी और वलसाड में अचानक गर्मी बढ़ने से आम की फसल को भारी नुकसान, दिन का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंचा। श्रीनगर करगिल रोड खोलने का काम शुरू, सड़क पर है 30 फीट तक बर्फ जमी। उत्तराखंड के नैनीताल में बारिश और बर्फबारी नहीं होने की वजह से सूखे जैसे हालात, नैनी झील में हर दिन 6 इंच कम हो रहा है पानी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत बनेगा अगले 5 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ल्ड बैंक IMF के प्रमुखों से की मुलाकात, देश के सामने मौजूद कर्ज के पुनर्गठन को लेकर की चर्चा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी खिताबी जंग, शाम 6:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। आज साउथ अफ्रीका खेलेगी अपना पहला वर्ल्ड कप फाइनल, सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को दी थी मात। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की नजरें खिताबी सिक्सर लगाने पर, लगातार 7 बार T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगी ऑस्ट्रेलिया। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले सभी 6 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने मारी बाजी, टूर्नामेंट में अब तक अजय रहा है ऑस्ट्रेलिया। दिनेश कार्तिक और कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश की मुलाकात, दिनेश कार्तिक ने शेयर की तस्वीर, कैप्शन में लिखा सलान रॉकी भाई फोटो वायरल। ऑस्कर से पहले RRR को मिली एक और बड़ी कामयाबी, हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में जीते 4 पुरस्कार। एक बार फिर एक साथ फिल्म में नजर आ सकती है कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की जोड़ी, अनुराग बसु की फिल्म आशिकी 3 के लिए किया गया है अप्रोच। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी कमाई में पिछड़ी, फिल्म थिएटर में भीड़ जुटा पाने में नाकाम।